हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, इसके प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस जो हैं बनाने के जो नियम हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। जैसा कि आपको पता है कि दो भागों में जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो दो भागों में विभक्त होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में अगर क्या शब्द, किसी हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, तो किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है, हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है और उसमें क्या आगे दिया है, तो उसको बनाने के लिए ये नियम है। सबसे पहले डिड यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल डिड ही एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जो एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं में, दोनों तरह के सब्जेक्ट्स में यूज की जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर क्या सब पहले आता है, डिड प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वी1 मानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस एन क्वेश्चन मार्क। दूसरे टाइप का, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे आगे रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेना क्वेश्चन मार्क। या यूँ कह लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस ऊपर वाला पूरा जो नियम है उसको डिड टू यहाँ उतार देते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस को मैंने हल किया है और कुछ सेंटेंसेस को मैं आपके सामने ही हल करूँगा। तो किस तरह से बनाना है, जैसे मैंने सेंटेंस को कैसे बनाया है, क्या इन किसानों ने कल अपने खेत नहीं जोते, तो क्या शब्द पहले आया, तो क्या करेंगे आप, पहला नियम लागू करेंगे, डिड दीज फार्मर्स, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड दीज फार्मर्स नॉट प्लाउ देयर फील्ड्स यस्टरडे, क्या इन किसानों ने नहीं जोते अपने खेत कल, डिड दीज फार्मर्स नॉट प्लाउ देयर फील्ड्स यस्टरडे। अगला सेंटेंस, सुधा ने तुम्हें अपनी किताबें क्यों दी, क्यों बीच में आया है, ये दूसरे नियम से लगेगा। दूसरा नियम इसमें यूज होगा प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे, तो वाई फिर लाएंगे सब्जेक्ट, सॉरी वाई फिर लाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड फिर लाएंगे सब्जेक्ट सुधा, फिर लाएंगे वी1 गिव, फिर बाकी बचा ऑब्जेक्ट यू हर बुक्स, वाई डिड सुधा गिव यू हर बुक्स, सुधा ने तुम्हें अपनी किताबें क्यों दी, क्या इन बच्चों ने मिठाइयाँ खरीदी, फिर क्या आ गया पहले, तो क्या गया डिड दीज चिल्ड्रेन, क्या इन बच्चों ने बाई वाने खरीदी द स्वीट्स वाने मिठाइयाँ, डिड दीज चिल्ड्रेन बाई द स्वीट्स। अगला सेंटेंस है, इस चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई, वाई डिड दिस प्योर नॉट रिंग द बेल, वाई क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस में, वाई फिर लाएंगे डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर लाएंगे दिस प्योन यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर रिंग वी1 क्योंकि डिड के साथ में हमेशा वी1 लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, इसलिए वी1 लगाई, और द बेल माने ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ कर्म है, फिर साइन अप क्वेश्चन मार्क, Why did this pion not ring the bell? अगला सेंटेंस है, यहाँ तक तो मैंने आपको सेंटेंस ऑलरेडी हल किए हुए बताए हैं, अब हम आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को हल करके बताएंगे और बताएंगे किस तरह से सेंटेंस बने। तुम कल कहाँ गए थे, कहाँ ही बीच में दिया है, कहाँ मतलब वेयर, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है, इसलिए हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी पहले रखेंगे, क्या करेंगे, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर, अब लाएंगे सक्रिया डिड, फिर लाएंगे कर्ता तुम, वेयर डिड यू, जाना का मतलब होता गो, तो गो की पहली फॉर्म लाएंगे क्योंकि डिड लगा है, वेयर डिड यू गो, कब गए थे, कल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए यस्टरडे आता है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, साइन अप क्वेश्चन मार्क, उसकी घड़ी किसने चुराई, किसने बीच में आया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी रखेंगे हु, किसने मतलब हु माने कौन या किसने, हु, अब इसमें क्या करते हैं, अगर हु दिया है तो इसमें आप हु के साथ में सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं, तो ही स्टोल V2 लगाएंगे, हु स्टोल हिज वॉच,
वो स्टोर इज वॉच। केवल हु ऐसा सब्जेक्ट यहाँ बनता है जो इसमें आपको प्रश्नवाचक बनाते समय आपको डिड का यूज नहीं करना, हु स्टोल हिज वॉच, हु स्टोल हिज वॉच, उसकी घड़ी किसने चुराई। क्या रोहन ने गृहकार्य नहीं किया, क्या सबसे पहले आया तो क्या करेंगे, डिड रोहन नॉट, डू मीन्स करना, डू होमवर्क, होमवर्क मीन्स ग्रह का सारा क्वेश्चन, डिड रोहन नॉट डू होमवर्क, अध्यापक ने तुम्हें कल क्यों पीटा था, क्यों बीच में दिया है, तो सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी वाई डिड द टीचर, बीट माने पीटना होता है, बीट यू कब, यस्टरडे, सना क्वेश्चन। अगला सेंटेंस, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया, कहाँ बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी रखेंगे वेयर डिड, फिर लाएंगे सब्जेक्ट यू पुट माई पेन, वेयर डिड यू पुट माई पेन, पुट मीन्स रखना। एक होता है कीप, वो कीप दूसरे टाइप का रखना होता है, और पुट माने किसी चीज़ को किसी जगह पर रख देना, इसके लिए इसका यूज करते हैं पुट का। अगला सेंटेंस है, और कीप और पुट में जो अंतर होता है मैं आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा आपको। उन्होंने नाश्ता कब किया था, कब किया है, तो व्हेन डिड दे मीन्स उन्होंने, व्हेन डिड दे, डू माने करना, और आप सीधे चाहें तो ईट भी कर सकते हैं, व्हेन डिड दे ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सना क्वेश्चन, व्हेन डिड दे ईट ब्रेकफास्ट या व्हेन डिड दे डू ब्रेकफास्ट, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम और उनके एग्जाम्पल्स को विस्तार से बताया। आशा है कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।